गुड इवनिंग एवरी वन सो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था वी हैड डन प्रेजेंट वैल्यू वी हैड डन फ्यूचर वैल्यू एंड हम लोग एन स्टार्ट भी किया था सो एन टी में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन आई गेस वी हैव कवर्ड राइट जस्ट लेट मी हैव अ लुक लोक गेरा एन्यूटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिक पेमेंट्स राइट सो हम लोगों ने पेंशन स्कीम के बारे में बात किया था वी स्पोक अबाउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल राइट उसमें भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का ही फॉर्मूला लगता है देन मैंने आपको लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल भी बनाना दिखाया था uh, जैसे अपने पेन एन पेपर में कैसे करेंगे और एक्सेल में कैसे करेंगे राइट सो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनटी है डिराइवेशन <coughs> हमारे सिलेबस में नहीं है ओके सो दिस वॉज द लोन अमाउंट टेन लैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है इट इज रीपेबल इन टेन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर वन राइट तो अपने को इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालना था तो अपने फॉर्मूला में बैठाया हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गया राइट right? सो टोटल दस इंस्टॉलमेंट में हम कितना कलेक्ट करेंगे माइनस लोन अमाउंट मेरा टोटल इंटरेस्ट ओवर टेन आ जाएगा इसी का शेड्यूल हम लोग बनाया था ये रहा दिस इज द लोन शेड्यूल लास्ट वाले में मैंने बताया था इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर ले लेना जैसे कि आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के वो इंस्टॉलमेंट uh, अमाउंट आ जाए राइट चलिए आगे बढ़ते हैं सो so, इससे कुछ कुछ होमवर्क था 14, 15, 16. Isaac has just won the lottery and decided to take a 20 year annuity option the lottery commission invests in winnings invests his winnings in an account that pays 4.8% interest compounded annually each year for those 20 years tom receives a check from the lottery commission for 250000 right इच ईयर, फॉर दोवेंटी ईयर्स टॉम रिसीव्स अ चेक फ्रॉम द लॉटरी कमीशन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड वॉट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टॉम स्विंग नाउ हम लोग को क्या करना है क्वेश्चन में क्लियरली क्या बोला है इसमें ना सबसे पहले अपने को पकड़ना पड़ेगा कि किस टाइप का प्रॉब्लम है कौन सा फॉर्मूला लगेगा प्रेजेंट वैल्यू लगेगा फ्यूचर वैल्यू लगेगा एनयूटी है कि नॉन एनयटी समझना पड़ेगा जैसे अगर मैं बोलूं ईच ऑफ बोलूच ट्वेंटी ईयर्स टॉम रिसीव चेक फ्रॉम द लॉटरी कमीशन फॉर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड डॉलर इसका मतलब पहला बात तो ये बीस साल तक इसको ढाई लाख डॉलर मिलेगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया एनयूटी हो गया ठीक है अब इसका प्रेजेंट वैल्यू पूछा है अपन को दे दी प्रेजेंट वैल्यू तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वही ये लोग बोल रहे कि हो सकता है हम लमसम मांग ले तुमसे इंस्टेड ऑफ गेटिंग दी लॉटरी कमीशन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड एवरी ट्वेंटी ईयर्स एवरी इयर फॉर ट्वेंटी ईयर्स बेटर यू गिव मी लमसम लास्ट ये किया था हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन ठीक है तो अपन को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है इसका पीवीए मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ए इंटू वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आई टू द पावर एन होल डिवाइडेड बाई आई है ना तो अपने क्या करेंगे टाइप वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आई है इक्वल टू एन टाइम्स एंड देन प्रेस जी आ जाएगा ना अपने को अगर एन्यूटी टेबल दिया तो अपने लिख सकते ए इन टू पी वी आई एफ ए आई परसेंट कॉमा एन इस तो यहां पे एन्यूटी कितना है डॉलर टू लैख फिफ्टी पी वी आई एफ ए फोर पॉइंट एट परसेंट है ना मेरा कैल्कूटर लेना डिवाइड हाँ बाय ना इक्वल एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ऑफिट जी टी into twelve point six seven six three thirty one 63 lakh approx रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना इट विल बी टॉम ये टॉम होगा टॉम ने लॉटरी जीता एंड डिसाइड्स टू टेक दैट ट्वेंटी ईयर एन्यूटी ऑप्शन राइट वो एन्यूटी लेना चाहता है लॉटरी कमीशन इन्वेस्ट इज विनिंग इन एन अकाउंट दैट पेज फोर पॉइंट एट परसेंट इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली तो अगर वो आज चाहे तो उसको थर्टी वन लैख डॉलर थर्टी वन लैख सिक्सटी नाइन थाउजेंड जो भी सेवेंटी वन डॉलर मिल जाएगा अगर उसको आज चाहिए तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ये याद रखना ये उसका है क्योंकि वही तुमको लमसम पेमेंट देगा ना चीज को समझो लास्ट हम लोग का जो आई था वो मेरा एक्सपेक्टेशन था मैंने फिर अपना वैल्यू निकाला सामने वाला कितना दे रहा था उसको कंपेयर किया बट यहां पे क्या बोला है लॉटरी कमीशन जो कमीशन है जो लॉटरी खिलवाता है वो लोग साढ़े फोर पॉइंट एट परसेंट में इसको इन्वेस्ट करेगा तो उनके हिसाब से ये वैल्यू आ रहा है राइट right? चलिए करते करते प्रैक्टिस करने से आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट टॉम गॉट ओवर द ट्वेंटी ईयर पीरियड सिंपल सिंपल पूछा है अगर इस ऑप्शन में जाएगा तो पचास लाख डॉलर ढाई लाख इंटू बीस ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट होमवर्क था जॉन ड्रथ जस्ट रिसीव्ड एन इनहेरिटेंस ऑफ चार लाख डॉलर राइट वुड लाइक टू वुड लाइक टू बी एबल टू मेक मंथली विद्रोवल ओवर द पंद्रह साल तो एक चीज समझना पैसा आज मिला ना ये पैसा बाद में मिला है आने वाला पंद्रह साल में हमको तोड़ तोड़ के चाहिए यही पैसा तो इस पैसा को कहीं वो इन्वेस्ट करेगा और उसको बोलेगा आप हमको एक तरह का पेंशन दीजिए पेंशन में क्या होता है पैसा कहीं जमा करते हैं और बोलते हैं आप हमको तोड़ तोड़ के ऐसे करके दीजिए अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप तोड़ तोड़ के उसको पैसा देते ना सेम वही चीज है आपके लिए भी कोई करेगा आप पैसा रख दीजिए सामने वाला आपको तोड़ तोड़ के देगा अभी ये एक एन्यूटी डिसाइड किया है 6.7 परसेंट कंपाउंडेड मंथली ना दोस्त मेरा बात समझो 6.7 परसेंट कंपाउंडेड मंथली हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि 15 साल बोला है राइट right? एग्जाम में इतना इतना डिफिकल्ट सिनेरियो नहीं आएगा या तो आपको एन्यूटी वैल्यू दे देगा 6.7 डिवाइड बाई 12 करेंगे पहले मंथली रेट आएगा आई वाई एम इफ नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग 12 बार कंपाउंडिंग हो रहा है ना साल में तो रेट को रिड्यूस करेंगे एंड टाइम पीरियड को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पंद्रह साल इंटू बारह महीना एक साल में एक सौ अस्सी आ जाएगा पावर में पावर में एक सौ अस्सी आ जाएगा उतना झमेला में मत जाओ तो अपन क्या करेंगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अपने को एग्जाम में फैक्टर देगा। यहां पे हमको चार लाख डॉलर मिला है एंड आई वांट टू रिसीव ए मेरे को पेंशन चाहिए बताओ पेंशन 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 पेंशन, पेंशन। वही हमारे लिए ए है हाउ मच विल हर मंथली पेमेंट बी इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अकाउंट टू जीरो खाली इंटरेस्ट नहीं चाहिए मेरे को एक होता है मैंने इन्वेस्ट कर दिया किसी को लोन में दे दिया अपने बैंक से जो लोन ले लेते तो हैं उसमें क्या होता है ईएमआई में इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो था तो उसमें क्या होता है प्रिंसिपल पार्ट भी रिपे हो रहा है और खाली इंटरेस्ट नहीं एक दो टाइप का लोन होता है एक होता है लोन दे दिया तुम खाली हमको इंटरेस्ट दोगे हर साल और बाद में एक साथ पैसा चुकाओगे एक होता है नहीं इंटरेस्ट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल भी देते चलो जिससे 20 साल में लोन जीरो हो जाए तो यहाँ पे भी वही चीज बोला है पंद्रह साल में चीज जीरो हो जाना है जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मतलब तुम जो हर साल मेरे को पेंशन दे रहे हो ब्याज भी है उसमें प्लस थोड़ा सा रीपेमेंट भी है राइट तो इसको अगर अपन करेंगे तो कैसे आएगा ये राइट सो एग इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी है वन प्लस आई बाई एम पावर मैन एम आई बाई एम है ना तो अगर पॉइंट जीरो सिक्स सेवन को मैं अगर डिवाइड बाई ट्वेल्व करूं बहुत गंदा फ्रैक्शन आ रहा है मैं तो इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा फोर लैख इक्वल्स टू ए इन पॉइंट जीरो सिक्स सेवन बाय ट्वेल्व पावर में पंद्रह इंटू बारह और इधर में पॉइंट जीरो सिक्स सेवन बाय ट्वेल्व डू नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू सॉल्व कोई दरकार नहीं है एग्जाम में तुमको ये सब नहीं आने वाला और आएगा तो तुमको प्रेजेंट वैल्यू दे देगा प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्यूटी फैक्टर दे देगा तुमको राइट ठीक है आगे बढ़े सिक्सटीन Amar is working in a tire factory that offers a pension in the form of annuity that pays 5% interest compounded monthly. He wants to work for 30 years Baba, and then have a retirement income of 4500 per month for 25 years. How much would he and his employer together have to deposit per month into the pension fund to accomplish this? राइट सो पोजीशन क्या है ये सब का डायग्राम समझो पहले मैं यहां खड़ा हूं तीस साल बाद मैं रिटायर करूंगा तो इस दिन अगर मैं पेंशन फंड में जमा करूंगा पेंशन फंड मालूम है ना क्या होता है यहां पैसा जा लिए आपको आने वाला यहां से 25 साल तक हम आपको मंथली 4000 डॉलर देते रहेंगे समझ गया 25 साल इंटू बारह तीन महीना हो गया अगेन वही सेम सिचुएशन आया ना ठीक है क्लियर आइए समझ गया ना मेरा बात तो अपने को यहां पे निकालना है पीबीए तीस साल बाद में कितना जमा करने से मेरे को मिलेगा सो तो क्या होगा चार हजार करके मैं जमा कर रहा हूं वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस पॉइंट जीरो फाइव बाई ट्वेल्व फाइव परसेंट कंपाउंडेड मंथली है तो रेट को रिड्यूस करेंगे होल टू द पावर 300 होल होल्ड डिवाइड 0.05 बाय 12 तो पीवीआईएफ ए तुमको दे देगा ठीक इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में दिमाग लगाने का एकदम भी दरकार नहीं है कॉन्सेप्ट को खाली समझो ठीक है अब परपेचुटी क्या होता है पेचुटी भी एन्यूटी होता है बट फॉर इनफाइनाइट पीरियड होता है फाइनाइट पीरियड नहीं होता ए फॉर इनफाइनाइट पीरियड सर ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट होता जो infinite period है जो इनफाइनाइट पीरियड के लिए होता है स्टॉक अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं कंपनी का परपेक्चुअल सक्सेशन होता है तो तब तक आपको डिविडेंड मिलता ही जाता है टिल योर डेथ उसके बाद भी आपका शेयर आपके बेटे के नाम पे होगा उसको मिलेगा या आप जिसका भी आपने विल में नाम लिख के गए हैं, राइट right? मतलब मैं यहां पैसा लगा रहा हूं और आप मेरे को देते चलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनटी में क्या था टाइम फ्रेम फिक्स था कब तक चाहिए आपको पेंशन यहां पर भी देखो तीस साल बाद आप रिटायर करोगे पच्चीस साल तक आपको पेंशन चाहिए इधर में भी वैसा ही है आने वाले पंद्रह साल तक आपको चाहिए राइट थोटे इज पे राइट right? तो इसमें हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी पीवीपी ठीक है दैट इज ए बाई आई सिंपल और कुछ नहीं सिंपल इट इज ए बाई आई ये सम ऑफ इन जीपी सीरीज से निकाला गया है वो सम ऑफ फाइनाइट जीपी सीरीज था ए इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो माइनस वन लेकिन यहां पे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला अलग है राइट सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर परपेचुटी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू भी होता है लेकिन परपेचुटी का फ्यूचर नहीं है फ्यूचर कहां खत्म करें गॉट माई पॉइंट सो so, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन सेवेंटीन ये पीवीपी पी का समय पीवीपी हम हर साल डिविडेंड देंगे दो साल दो, दो, दो डॉलर करके इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइव परसेंट है तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी मतलब स्टॉक प्राइस स्टॉक प्राइस इसको बोलते हैं स्टॉक प्राइस वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या वैल्यू ऑफ स्टॉक भी बोला जाता है दो डॉलर करके लगाइए डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो फाइव कितना आ रहा है दो डॉलर करके लगाइए पॉइंट जीरो फाइव चालीस डॉलर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आजीवन आपको दो दो डॉलर करके मिलता जाएगा आजीवन ठीक है तो जस्ट आपको डायग्राम देखना है राइट अगर आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं आपका सेफ्टी के लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं हमने किया प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग सो फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगा पी इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई परसेंट कॉमा एनियर्स टाइप वन प्लस आई इंटू इक्वल्स टू हा देन इक्वल टू हाउ मच एन माइनस वन टाइम इंटू इक्वल टू करने दो, दो बार हो गया अब पावर में फिर दो दो से मतलब तीन से गिनती चालू तीन चार ऐसे करके दिस इज फ्यूचर वैल्यू पूरा अगर फॉर्मूला देखना है तो पी इन टू वन प्लस आई टू द पावर एन दिस इज कंपाउंडिंग फैक्टर ठीक है आया ना सेम वही चीज प्रेजेंट वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू दिया रहेगा और प्रेजेंट वैल्यू निकालना थे उसको क्या बोलेंगे अपन डिस्काउंटिंग सो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इंटू पीवीआईएफ है ना आई परसेंट कॉमा एन ईयर या कंपाउंडिंग फैक्टर निकाल के उसको वन डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फैक्टर भी कर सकते हैं तो ये होगा एफ वी इंटू वन डिवाइड बाय वन प्लस आई to the power end. एक सम को आगे लेके जाना है एक सम को पहले लाना है देन पी वी a ए ए ए एग्जाम्पल में लोन पेंशन फंड ये सब क्लियर है तो इसमें क्या करते हैं जितना भी एन्यूटी सबको प्रेजेंट में लाना है तो पीवीए क्या होता है ए इंटू पी वी आई एफ एसेंट कॉमा एन ईयर मैंने आपको जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर दिखाया था ना डिस्काउंटिंग फैक्टर का टेबल कंपाउंडिंग फैक्टर का टेबल अलग होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर एन्यूटी का टेबल अलग होता है राइट right? इसका फॉर्मूला समझने का कोई दरकार नहीं अभी हमने कराया आपको फॉर्मूला सी एव तो यहां पे टाइम पीरियड फाइनाइट है सॉरी राइट right? पी पीवीपी चलता ही रह रहा है इनफाइनाइट राइट right? तो इसका कुछ नहीं है पीवीपी इक्वल्स टू सिंपल ए बाई आई Right? ठीक है हम लोगों को क्या करना है सॉरी एफ वी ए फीचर वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है हर महीने डिपॉजिट करते हैं पैसा लास्ट में मिलता है तो यहां घड़ा पहले बनेगा कि बाद में बनेगा यह घड़ा बनेगा दिस इज यह क्या है ए है आ? तो इन सबको क्या करना है फ्यूचर में लेके जाना है हर एक चीज को तो अगर एक एक ए एक एक, एक के बारे में सोचोगी तो इस ए में क्या लगेगा इस ए को फ्यूचर में लेके जाना है तो क्या लगेगा इस ए को अगर यहां लाना है तो क्या लगाओगी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का इस ए को अगर आगे लेके आना है तो कौन सा लगाओगी इसको 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 टाइप वन प्लस आई इंटू इक्वल्स टू दो बार हो गया प्रेस इक्वल टू एन माइनस वन टाइम्स तो खाली ये वाला आ गया पहले देन माइनस वन डिवाइड बाय आई ऐसे तो खता है ना इसका शॉर्टकट तो और इससे अच्छा क्या होगा वन प्लस आई इंटू इक्वल्स टू टू टाइम्स फिर जितना बार इक्वल टू तो दबाओगे एन माइनस वन टाइम्स दबाना है ठीक है ना क्या बोले फिर से बोलो तो ओ सॉरी 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 समझ गया तुम क्या बोल रही हो हाँ? समझ गया एक सेकेंड में एक, एक, एक गलती हुआ रुको मैं बता रहा हूँ मैंने लिखाया था ना

डिवाइड बाई आई या सीधा कुछ करने का दरकार नहीं है आ, दिस फिर जीटी बटन ये करने का फिर दरकार नहीं है इसके बाद आप जीटी बटन दबा आएंगे तो हो जाएगा नहीं तो उसको अलग से लिखो फिर माइनस करो फिर डिवाइड बाई आई करो जी टी बटन अच्छा और कहाँ लिखा है मैंने हुँ. तो ठीक ही है दिस इज ओके दिस इज ओके यहाँ कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं हाँ ये जो मैंने लिखा है ना ये यहीं पे होगा एन माइनस वन टाइम मतलब इक्वल टू के बाद में फिर एन माइनस वन नहीं होगा मतलब इनटू इक्वल टू दबाएंगे एन माइनस इसको लेके एन माइनस वन टाइम्स माय बैड ठीक है तो इसमें भी वही चीज होगा यहीं पे एन इक्वल टू एन माइनस वन टाइम्स ऐसा करने से एक एक्स्ट्रा हो जाएगा ये इक्वल टू भी तो काउंट हो ही रहा है ना माइनस वन फिर डिवाइड बाई आई या तो ये फैक्टर दे देगा तो झमेला ही नहीं है इसको बोलते एन फैक्टर फॉर फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एन फैक्टर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट राइट फैक्टर फॉर एनटी मैं सबका शॉर्ट फॉर्म्स बता देता हूं एफ वी आई एफ क्या होता है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बताया है सिंगल वाला सिंगल एक को अगर ले सिंगल एक को अगर पीछे लाना है बताया था ना प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्यूटी बहुत सारा को पीछे लाना है बहुत सारा को आगे लेके जाना है इज इट फाइंड तो एग्जाम में ये फैक्टर दे देगा तो ये फॉर्मूला लगाने का दरकार नहीं है 24 फोर पढ़ो इंपॉर्टेंट है इफ अ पर्सन डिपॉजिट्स 100 डॉलर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 200 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड 250 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर What विल बी इट्स फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेन परसेंट समझ में आ गया सौ दो सौ ढाई सौ ठीक है बढ़े आगे अब ये annuity नहीं है annuity में इक्वल पेमेंट्स होता है अगर कोई बच्चा बोलेगा सर सारी annuity का फॉर्मूला लगा दीजिए नहीं लगा सकता मैं घड़ा यहां है कब होता है जब जीरो वन, टू, थ्री। जब सीरीज ऑफ इक्वलिक पेमेंट्स हो इक्वल तो नहीं है ना यहां मैं सौ डॉलर लगा रहा हूं यहां मैं दो सौ इन्वेस्ट कर रहा हूं यहां मैं ढाई सौ इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ये ढाई सौ तो एसिडीज चलेगा क्या चीज का इंटरेस्ट क्योंकि तीन साल बाद तो मेचोरिटी है ये तो इसको एक साल आगे लेके आना है और इसको तो सबको अलग अलग लाके जोड़ देंगे टोटल फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू हंड्रेड इन टू वन प्लस आई कितना है टेन परसेंट पॉइंट वन पावर में पहला वाला का पावर क्या होगा वन कैसे होगा एक साल बाद इन्वेस्ट कर रहा हूं तो दो साल तक री इन्वेस्ट होगा ना ये री इन्वेस्टमेंट का पीरियड देखो दो सौ डॉलर इंटू वन प्लस पॉइंट आई मतलब पॉइंट वन पावर में वन क्योंकि एक साल तक ये इन्वेस्ट हो रहा है ढाई सौ इंटू वन प्लस पॉइंट वन पावर में जीरो इन्वेस्ट होगा ही नहीं लॉस ऑफ इंडिसेस क्या बोलता है ये वन हो जाएगा एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन so this is 100 into 1.21 this is 200 into 1.1 and this is 250 into 1.1 sorry 250 into 1 power of indices ये पूरा फ्रेज को ये वन बना देगा ये पूरा वन बनेगा वन पॉइंट वन टू द पावर स्क्वायर वन पॉइंट वन इन टू इक्वल्स टू दो बार हो गया वन पॉइंट टू वन आएगा एक सौ इक्कीस दो सौ बीस ढाई सौ कितना आ रहा है डॉलर फाइव नाइन्टी वन ठीक है ट्वेंटी फाइव पढ़ो पढ़ लिया क्वेश्चन में पहले फ्यूचर क्या है कौन सा फॉर्मूला लगेगा बारह हजार हम इन्वेस्ट के एक साल के लिए सिंपल बारह हजार इन्वेस्ट किया एक साल के लिए सो फ्यूचर वैल्यू इन टू वन प्लस आई बाई एम क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है एनएम तो बारह हजार में री इन्वेस्ट किया प्लस वन प्लस आई मतलब आई कितना दिया हुआ है एट पॉइंट फोर परसेंट ना तो पॉइंट जीरो एट फोर बाई ट्वेल्व वन इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व थाउजेंड इन टू वन प्लस पॉइंट डबल जीरो सेवन पॉवर में ट्वेल्व नॉइंट फोर इज पॉइंट सेवन परसेंट तो पॉइंट सेवन मीन पॉइंट डबल जीरो सेवन अब एग्जाम में क्या देगा मालूम है एग्जाम में तुमको फैक्टर दे देगा दे विल गिव यून एग्जाम लाइक दिस जैसे मैं तुमको बोला था ना इतने दिन से तो पहले तुम ये M से डिवाइड और ये M से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूं कैन आई राइट लाइक दिस ट्वेल्व थाउजेंड इन टू एफ वी आई एफ फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग हो रहा है ना पॉइंट सेवन परसेंट ट्वेल्व आफ्टर डिराइवेशन आई कैन राइट दिस एंड दे गिव यू दिस इन एग्जाम गिवेन होगा ये एग्जाम में आई इज इक्वल्स टू पॉइंट सेवन एन इक्वल्स टू ट्वेल्व एफ बी आई एफ इक्वल्स टू ऐसे करके तुमको एग्जाम में दे देगा राइट एनी व्यापन तो कर सकते हैं ना क्या चीज नहीं तुमको तो दो तीन दे देगा N12, N24, तो क्या आ रहा है अल्टीमेटली तुमको यहां तक तो आना ही पड़ेगा ये तब तुम आज तक ना तुम ये बना पाओगे इससे ना तुम ये बना पाओगे या फिर तुमको टेबल दे, दे देगा तो टेबल में से तुमको पॉइंट सेवन और ट्वेल्व का फैक्टर निकालना पड़ेगा तुमको एक वैल्यू नहीं देगा एक देगा तो वही होगा कॉमन सेंस का बात है हो सकता है? नहीं भी हो तो चेक तो करना पड़ेगा ना क्रॉस चेक तो करना ही पड़ेगा राइट right? कितना डॉलर आएगा सो वन पॉइंट डबल जीरो सेवन इंटू इक्वल टू ग्यारह बारह एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह वन पॉइंट जीरो एट सेवन थ्री सॉल्व क्या क्योंकि फैक्टर तो दिया हुआ नहीं है ना ना थ्रीरो वन थ्री जीरो सिक्स आया अभी खत्म नहीं हुआ है तुमको पोस्ट टैक्स पूछा है दिस इज नॉट ओवर येट तो ये तुमको एक साल बाद ये मिलेगा अब पूरा पे तो टैक्स लगेगा नहीं टैक्स इनकम पे लगता है राइट right? हाउ मच इज इंटरेस्ट ऑर्ड ठीक है टैक्स कितना लगेगा वन जीरो फोर पॉइंट सिक्स इसका पंद्रह परसेंट डॉलर वन फिफ्टी पॉइंट Total amount available post taxes. पैसा में एक साल बाद निकाल रहे हैं इनकम टैक्स पंद्रह परसेंट का है तो जो पैसा है उसमें से इनकम टैक्स माइनस कर दो तो अगले साल जब री करूंगा तो तेरह हजार समथिंग नहीं बारह हजार समथिंग री होगा ठीक है समझा पहले एक साल बाद का फ्यूचर वैल्यू निकालो निकल गया सर इंटरेस्ट कितना है फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू टोटल इंटरेस्ट अंड नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मिसिंग आई निकालना है ये सारा सम इंपॉर्टेंट है मैंने साढ़े आठ सौ रुपया बोरो किया है और बोला हजार रुपया दूंगा तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया फ्यूचर वैल्यू तीन साल बाद एन्यूटी वगैरह नहीं है बोला क्या तोड़ तोड़ के दे दूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सिंगल है ना तो आप प्रेजेंट को फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं फ्यूचर को प्रेजेंट में भी ला सकते हैं कैसे भी करके आप आई निकाल सकते हैं ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान से सुनो ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू से भी जाते हैं अगर तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू वन प्लस आई टू पावर एन सो ये फ्यूचर वैल्यू हजार है प्रेजेंट वैल्यू एट फिफ्टी वन प्लस आई मिसिंग है पावर में थ्री अब आई कितना होने से ये हजार हो जाएगा बात यही है ना पावर में सेवन भी हो सकता था तो हम लोग क्या करेंगे अज्यूम करेंगे क्या करेंगे अज्यूम लेट आई इज़ इक्वल्स टू फाइव परसेंट लेट एज एज्यूम तो आर एच एस कितना आएगा राइट हैंड साइड एट फिफ्टी इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव टू द पावर थ्री सॉल्व करो सॉल्व करो पहले वन पॉइंट जीरो फाइव इंटू इक्वल टू टाइम्स टू टाइम्स एक दो इन टू एट फिफ्टी कर दो तो नाइन एटी फोर ले लो चलो नाइन एटी फोर आप राउंड ऑफ करके अब आई पांच परसेंट में फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट में डायरेक्ट रिलेशन होता है कि इनडायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू और इंटरेस्ट रेट में जैसे मैंने आपको क्या बताया था प्रेजेंट वैल्यू में बताया था ना ऐसे आपको रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा अपने आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेंगे प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा इंटरेस्ट रेट गिराने से प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगा लेकिन फ्यूचर वैल्यू में उल्टा है डायरेक्ट रिलेशन होता है ये इन्वर्स रिलेशन है बट यहां पे फ्यूचर वैल्यू एंड इंटरेस्ट रेट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे फ्यूचर वैल्यू बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट घटाएंगे फ्यूचर वैल्यू घटेगा तो अपन को हजार चाहिए ना और बढ़ाओ सिक्स ले लो अच्छा ये हजार के बहुत ज्यादा दूर है कि बहुत पास में है तो सिर्फ फाइव से सीधा एट नाइन मत चल जाना थोड़ा वो तो सेंस ऑफ जजमेंट करना पड़ेगा उपाय नहीं ऑप्शन नहीं है राइट सो लेट आई इक्वल्स टू सिक्स परसेंट एट फिफ्टी इंटू वन पॉइंट जीरो अगेन जीरो सो मैनी टाइम्स इक्वल टू इक्वल टू अच्छा सॉरी यहाँ वन पॉइंट जीरो सिक्स इंटू इक्वल सो मैनी टाइम्स टू टाइम्स एक दो जो भी आ रहा है इंटू एट फिफ्टी कितना आ रहा है डॉलर वन जीरो वन टू ले लो राउंड ऑफ तो समझ में आ गया i इज बिटवीन फाइव एंड सिक्स लगभग राइट सो नाउ वी विल अप्लाई इंटरपोलेशन यह आगे जाके काम आएगा मैं अभी बता दे रहा हूं अब हम लोग लगाएंगे इंटरपोलेशन कैसे लगता है इंटरपोलेशन पांच परसेंट में आंसर कितना आया नाइन एट्टी फोर आई परसेंट में हमको कितना चाहिए थाउजेंड सिक्स में कितना आया कुछ नहीं करना है तीस माइनस तीस तीस माइनस तीस आई इन दोनों के बीच में है ना आई माइनस फाइव सिक्स माइनस फाइव आई क्या है हजार तो इधर होगा हजार माइनस फाइव क्या है नाइन एटी फोर सिक्स क्या हजार बारह वो कितना है नाइन एटी फोर और आई माइनस फाइव सिक्स माइनस फाइव वन होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय वन तो वही आएगा इक्वल्स टू सिक्सटीन बाई ट्वेंटी सिक्स और आईवल्स टू सिक्सटीन बाई ट्वेंटी सिक्स प्लस फाइव कर देंगे 5.61% परसेंट अप्रॉक्स एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करके आना है इसको बोलते हैं बाई अप्लाइंग इंटरपोलेशन ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में By applying interpolation, this is our answer. ठीक है ट्वेंटी सेवन वाला करो सिमिलर क्वेश्चन है बोरोड टेन थाउजेंड डॉलर फ्रॉम अ बैंक विद अंडरस्टैंडिंग दैट यू विल पे इट ऑफ विद ट्वेल्व थाउजेंड आफ्टर टू ईय रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है सो अगेन फ्यूचर वैल्यू क्या है ये पी है ये एफ है सो ट्वेल्व थाउजेंड इक्वल्स टू इन टू वन प्लस आई टू द पावर स्क्वायर ना स्क्वायर तो रूट में ही हो जाएगा इसके लिए वो टेबल नहीं लगाएंगे क्या करना है देखो ट्वेल्व थाउजेंड को पहले इधर लेवाइड बाई टेन ट्वेल्व थाउजेंड डिवाइड बाय टेन थाउजेंड इज वन पॉइंट टू फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो वन पॉइंट जीरो नाइन फाइव आएगा फिर माइनस वन कर देंगे पॉइंट जीरो नाइन फाइव आ गया इन टू हंड्रेड कर दो रेट के लिए तो नाइन पॉइंट फाइव फोर परसेंट सीधा आ गया रूट तो सॉल्वेबल है इसमें इंटरपोलेशन लगा के कोई फायदा नहीं है रूट तो सॉल्व कर सकते हैं ना कैलकुलेटर में 嗯。Mm. ठीक है नंबर ट्वेंटी नाइन ये इंपॉर्टेंट है इसको अपने सिंप्लीफाई करने के लिए सिक्स परसेंट लेंगे ठीक है मतलब कितना दिन में पैसा डबल हो जाएगा ना यही तो है कितना दिन में पैसा डबल हो जाएगा ठीक है और इसको मंथली नहीं करके क्योंकि अगेन पावर में बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो हम लोग तो इसको फिर लॉग लेके करना पड़ेगा तो इसको अपने एनुअल कर देते हैं ठीक है जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी तो इतना टफ तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा ठीक है डन सो इक्वेशन क्या बनेगा फ्यूचर वैल्यू लगा सकते हैं इसमें वन प्लस आई टू द पावर एन इक्वल्स टू वन इन टू पॉइंट जीरो सिक्स पावर मैन डबल ना पीवी वन है तो फ्यूचर वैल्यू डबल टू इक्वल्स टू वन पॉइंट जीरो सिक्स टू द पावर एन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड समझ गया लॉक टू का वैल्यू निकालेंगे फिर एंटीलॉक करेंगे वो सब झमेला है अपना तरीका भी अपनाओ ये क्वेश्चन बन गया ना अब अपना तरकीब क्या है पहले ये क्वेश्चन बनाने का है ऐसे चला ठीक है पॉइंट जीरो सिक्स पावर मैन लेट एन एनिक्वल्स टू नाउ देखो सिक्स इंटू फाइव कितना होता है टी सिंपल इंटरेस्ट में ये थर्टी परसेंट बढ़ेगा समझो चीज को सिक्स इंटू टेन करेंगे तो सिक्सटी सिंपल इंटरेस्ट में सिक्सटी बढ़ेगा तो हो सकता है कंपाउंड में एट्टी नाइनटी आ जाए अगर एन पावर में नहीं होता मल्टीप्लीकेशन होता इजीली सॉल्व हो जाता ना तो एन को एक बार एट नाइन टेन ले सकते हो टेन ले लो तो आरएचएस क्या होगा 1.06 पॉइंट जीरो सिक्स टू द पावर टेन करो वन पॉइंट जीरो सिक्स इक्वल टू हाउ मेनी टाइम नाइन टाइम्स एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एक से, नहीं नहीं सही वन पॉइंट जीरो सिक्स इंटू इक्वल्स टू नाइन टाइम्स ना एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ ठीक है तो रफली ये वन पॉइंट सेवन नाइन आ रहा है नहीं हुआ काम और ज्यादा लेना पड़ेगा लेट एन इक्वल्स टू ट्वेल्व आरएचएस वन पॉइंट जीरो सिक्स टू पावर ट्वेल्व तो वन पॉइंट जीरो सिक्स इंटू इक्वल टू मेनी टाइम्स इंटू इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स इलेवन टाइम्स वन पॉइंट जीरो सिक्स इंटू इक्वल टू इलेवन टाइम्स एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह में ज्यादा हो गया टू पॉइंट जीरो वन जीरो वन टू आ रहा था जीरो वन ले लिया तो ऑलमोस्ट ये टू आ गया ना अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना प्लस माइनस टू परसेंट का तो अपने बारह बोल आंसर बारह ही आएगा इलेवन पॉइंट समथिंग आएगा इलेवन पॉइंट नाइन फाइव ऐसा आएगा राइट right? आप चाहें तो आप इंटरपोलेशन लगा सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है बाय अप्लाइंग टेन ईयर में आया वन पॉइंट सेवन नाइन एन में चाहिए टू ट्वेल्व में आया टू पॉइंट जीरो वन सो दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस एन माइनस टेन बाय, ट्वेल्व माइनस टेन इक्वल्स टू टू माइनस वन पॉइंट सेवन नाइन बाई टू पॉइंट जीरो वन माइनस वन पॉइंट सेवन नाइन अभी इधर में एन माइनस टेन बाई टू है बाई वन नहीं है एन माइनस टेन इक्वल्स टू ये टू इधर मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट फोर टू बाई पॉइंट टू टू है ना और उसमें फिर टेन प्लस कर देंगे तो पॉइंट फोर टू डिवाइड बाई पॉइंट टू टू वन पॉइंट नाइन जीरो समथिंग आया प्लस टेन तो आंसर होगा इलेवन पॉइंट नाइन वन ईयरस रफली अभी पॉइंट नाइन वन को इंटू ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर एक साल में बारह महीना होता है तो दस महीना ग्यारह महीना टेन पॉइंट नाइन टू आ रहा है मतलब ग्यारह साल दस महीना पच्चीस दिन के लगभग सत्ताईस दिन के लगभग में पैसा डबल हो जाएगा उतना एग्जैक्ट आंसर में जाने का दरकार नहीं है पहले पॉइंट ईयर को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे फिर मंथ में जो पॉइंट आएगा उसको थर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा इतना साल इतना महीना इतना दिन हाँ <coughs> hmm? <coughs> yeah. इज इट फाइन थर्टी एक एन्यूटी का समय उसको कर लेते हैं पर ईयर आने वाला पांच साल तक सो द डायग्राम इज लाइक दिस बॉक्स यहां बनेगा ना एफ वी ए एक, एक दो तीन चार पाँच जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तो आप इन सबको आपको फ्यूचर में लेके जाना है राइट नॉर्मल समय एफ क्या है ए इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन बाई आई वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू वन प्लस पॉइंट जीरो एट पावर में फाइव माइनस वन बाई पॉइंट जीरो एट तो इसको खाली सॉल्व करना है ना पहले खाली इसको पकड़ो 1.08 पॉइंट जीरो टू इक्वल्स टो टाइम्स फोर टाइम्स एक दो तीन चार जो भी आंसर आया उससे माइनस वन कर दो कर दिया जो भी आंसर आया है उससे डिवाइड कर दो पॉइंट जीरो एट तो फाइव पॉइंट एट सिक्स 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 मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो कितना आ रहा है जो भी आ रहा है मेरा पेन नहीं काम कर रहा है लिख लो ना हम्म हम्म कितना आ रहा है ठीक है जो भी आ रहा है कर लो ठीक है ओके सो हम लोग होमवर्क में लेंगे ये वाला होमवर्क ले लेंगे थर्टी वन थर्टी टू ठीक है इन दोनों को होमवर्क करके आना बाय